हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुभम रेडी फार्म। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा पाइनएप्पल कोन्यूर की ब्रीडिंग एज को लेकर होने वाला है। इसके साथ ही हम आज कॉकटेल बर्ड की ब्रीडिंग एज के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पाइनएप्पल कोन्यूर की ब्रीडिंग एज के बारे में, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉल कोन्यूर की ब्रीडिंग एज के बारे में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो पाइनएप्पल कोन्यूर की जो ब्रीडिंग एज होती है वो ज़्यादातर हमने यही देखा है कि ऑलमोस्ट हमको जो पाइनएप्पल कोन्यूर को ब्रीड पर लगाना चाहिए वो 1.5 साल की उम्र में लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रीडर होते हैं वो पाइनएप्पल कोन्यूर को 1.5 साल की उम्र के बाद ही ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनको ब्रीड अच्छी मिल सके, उनको ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छा देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, हमारे बहुत से भाई लोग क्या करते हैं कि अपने पाइनएप्पल कोन्यूर या फिर स्मॉल कोन्यूर को 1.5 साल की उम्र से पहले ही ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे होता क्या है कि उनका जो बर्ड है वो उनको ब्रीड तो करके दे देता है लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जैसे कि होता क्या है कि उनको देखने को मिलता है कि उनके पाइनएप्पल कोन्यूर ने अंडा तो दे दिया लेकिन अंडे से बच्चा नहीं निकल रहा है, या फिर उनको एक बाइंडिंग हो रही है, या फिर अंडे इनफर्टाइल जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने पाइनएप्पल कोन्यूर को 1.5 साल की उम्र से पहले ही ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर मेरे पाइनएप्पल कोन्यूर को देख रहे होंगे, ये मैंने पाइनएप्पल कोन्यूर फर्स्ट टाइम ब्रीड पर लगाया है, और जो मैंने ये छोटा सा पाइनएप्पल कोन्यूर का सेटअप तैयार किया है, मैंने इन सब को ब्रीडिंग बॉक्स दिया है, वो ऑलमोस्ट 18 महीने 19 महीने से इनकी ऊपरी एज है जब जाकर मैंने इनको ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड कराया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बर्ड ऐसा नहीं है जो कि 1.5 साल से नीचे हो और मैंने उसको ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करा दिया हो। तो दोस्तों, हमने फिर देखा भी है कि हमको जो रिज़ल्ट मिला है वो फर्स्ट क्लच में हमको एक अच्छा रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि फर्स्ट क्लच के अंदर जो एग्जॉटिक बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अंडों को ख़राब कर देते हैं, बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अपने पास जो भी पाइनएप्पल कोन्यूर ने ब्रीड किया है, किसी ने 2 बच्चा निकाला है तो किसी ने 3 बच्चा निकाला है, तो ऐसा अपने पास इसीलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि अपन ने इनको प्रॉपर ब्रीडिंग एज जब इनकी हुई 1.5 साल से ऊपर जब इनकी उम्र हुई तब इनको ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड कराया है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है दोस्तों। अगर आप भी अपने पाइनएप्पल कोन्यूर को 1.5 साल से ऊपर की उम्र के अंदर ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड कराओगे तो आप खुद देखोगे कि आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छा देखने को मिला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको जो इनका डाइट प्लान है वो बिल्कुल सही रखना है। इनको आपको अच्छी डाइट देनी है, कैल्शियम, विटामिन, लीवर की दवाई, ये टाइम टू टाइम आपको देना है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कॉकटेल बर्ड की ब्रीडिंग एज के बारे में कि कॉकटेल बर्ड की जो ब्रीडिंग एज होती है वो क्या होती है और हमको हमारे कॉकटेल बर्ड को किस उम्र में ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड कराना चाहिए। तो दोस्तों, कॉकटेल बर्ड की जो ब्रीडिंग एज होती है वो होती है ऑलमोस्ट 15 महीने के आसपास। दोस्तों, मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ। मैं कॉकटेल ऑलमोस्ट 4 साल से अपने पास ब्रीड करा रहा हूँ। पाइनएप्पल कोन्यूर तो मैंने फर्स्ट टाइम ब्रीड कराया है, तो जो मैं कॉकटेल बर्ड को ब्रीडिंग एज देता हूँ वो ऑलमोस्ट हमेशा 15 महीने की जब इनकी एज हो जाती है। किसी कॉकटेल बर्ड का पेयर का जो एज होता है वो 14 महीने होता है या 15 महीने 16 महीने, तभी मैं इनको ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड कराता हूँ और मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बहुत से जो हमारे भाई लोग हैं या बहुत से दोस्त हैं, उनके पास क्या होता है, कॉकटेल बर्ड फर्स्ट टाइम में अपना फर्स्ट क्लच ख़राब कर देता है या फिर अंडे दे देता है, अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं, और अगर बच्चे निकल भी जाते हैं तो क्या होता है कि वो अपने बच्चों को पालता नहीं है। जबकि दोस्तों, ऐसा मेरे पास बिल्कुल नहीं होता है। फर्स्ट टाइम में अगर मेरे पास कोई बच्चा निकला तो अपना कॉकटेल बर्ड उसको अच्छे से पाल कर बड़ा करेगा। क्योंकि कॉकटेल बर्ड एक ऐसा बर्ड है दोस्तों, अगर आप इसको सॉफ्ट फूड दिन में पूरे दिन में अगर आप 3 टाइम कॉकटेल बर्ड को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं जब इसके नीचे ये बच्चे लेकर बैठा हो, तब तो ये अपने बच्चों को अच्छे से फीड कराएगा, अपने बच्चों को अच्छे से भराएगा और अपने बच्चों को अच्छे से पालेगा।
अब हमारे जो दोस्त क्या होते हैं, नए नए जो कॉकटेल वर्ड का ब्रीड कराते हैं, वो यही करते हैं कि कॉकटेल वर्ड को जो मिक्स सीड होता है वो खाने के लिए रख देते हैं, और जब उनका कॉकटेल वर्ड अंडा देता है और जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है तो वो उसको पूरे दिन भर में सॉफ्ट फूड या तो एक टाइम रखते हैं या फिर कभी कभार नहीं रखते हैं, जिससे क्या होता है कि कॉकटेल वर्ड अपने बच्चे को फीड नहीं कराता है और बच्चा एक्सपायर हो जाता है। और फिर जो हमारे दोस्त होते हैं वो यही बोलते हैं कि कॉकटेल वर्ड अपने बच्चों को फीड नहीं कराता है, जबकि दोस्तों मेरा तो ये कहना है कि कॉकटेल एक ऐसा वर्ड है जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पालता है। जो बजीज पैरट होते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से कॉकटेल वर्ड अपने बच्चों को फीड कराता है। दोस्तों ये मेरा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा और आपको लाइव दिखाऊँगा कि मेरे पास कॉकटेल वर्ड के जितने भी पेयर हैं उसमें से जितने भी पेयर ने ब्रीड किए वो अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह से फीड करा रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से भरा रहे हैं। और ये मैं जो सक्सेसफुल कॉकटेल वर्ड का ब्रीड ले पा रहा हूँ ये किस तरह से ले रहा हूँ, मैं इनको पूरे दिन में कितने टाइम सॉफ्ट फूड रखता हूँ, ये सब चीज़ मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो आई होप सो गाइज आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए रोज़ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यह एकमात्र ऐसा YouTube चैनल है जो कि आपको बिल्कुल होलसेल प्राइस में एक्जॉटिक बर्ड अवेलेबल कराता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्राइस जो कि आपको पेट शॉप पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जितना भी एक्जॉटिक बर्ड का ब्रीड आता है ये सारा जब मैं सेल करता हूँ तो बिल्कुल एक होलसेल प्राइस के अंदर सेल करता हूँ। ऐसा प्राइस होता है मेरा जो कि आपको पेट शॉप पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।